BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यह बनारस का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ चुके हैं वाराणसी के हिंदू काशी विश्वविद्यालय पर। आप देख सकते हैं पीछे उसका गेट आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो परिसर है ये बहुत ही बड़ा परिसर है। मैं आपको इसके अंदर की चीजें को दिखाता हूँ। अंदर पहुँचते ही आपको एक बहुत बड़ा मैप दिखेगा जो कि BHU का मैप है। यह 1300 एकड़ में फैला हुआ है जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान की थी। इसके अंदर जो है 6 संस्था, 14 संकाय और 140 विभाग हैं। मैं आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में 20,000 से ज्यादा छात्र अध्ययन करते हैं जिनमें लगभग 34 देशों से आए हुए छात्र शामिल होते हैं। गेट से एंट्री होने के बाद आगे चलकर आपको एक मोड़ मिलेगा जिसमें आपको 2-3 रास्ते मिलेंगे जिसकी मदद से आप पूरे BHU को घूम सकते हैं। BHU कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और बहुत सारे मंदिर भी हैं जिसे आप देखकर आनंद ले सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम BHU भी कहते हैं, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यह बनारस का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और मंदिर हैं। BHU के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर जो है वो वाराणसी में है और दूसरा परिसर जो है मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर 2700 एकड़ में है। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालवीय भवन है और मालवीय भवन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है मालवीय भवन के बारे में, यानी मालवीय स्मृति के लिए यहाँ पे बनाया गया है। देखिए स्मृति गार है। इस भवन का निर्माण जो है मदन मोहन मालवीय के अंतिम स्मृति गार के रूप में इसे बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं और पूरा आनंद ले सकते हैं। महामना सिद्धाश्रम मालवीय भवन है और यहाँ मदन मोहन मालवीय के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। चलते हैं देखते हैं। काफ़ी उनका स्टैचू बनाया गया है, छोटा सा स्टैचू है मदन मालवीय भवन का स्टैचू बनाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर सरोवर टाइप का बनाया गया है। इसमें नाइट के समय में यहाँ पर पानी का फुहारा उड़ने के लिए बनाया गया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर भवन का निर्माण जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है। यहाँ पर मालवीय भवन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बगल के परिसर में आप देख सकते हैं गीता उद्यान है। यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है, हो सकता है जाने की परमिशन ना हो, लेकिन फिर भी हम बाहर से इसका व्यू आपको दिखा दे रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत पार्क है। काशी विश्वनाथ मंदिर पे आ चुके हैं जो कि BHU में पड़ता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के मंदिर के बारे में और ये मंदिर कैसा है। यह BHU का नया काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसे हम बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसे बिरला परिवार के द्वारा बनवाया गया था जिसकी वजह से इसे बिरला मंदिर के नाम पे जाना जाता है। 1931 में इसकी नींव रखी गई थी और 1966 में बनकर ये तैयार हो गया था। इसकी ऊंचाई 253 फीट है। के अंदर का आप कुछ इस तरीके का नज़ारा देख सकते हैं और आप इस साइड से आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डबल भवन बनाया गया है। इस मंदिर की संरचना जो है संगमरमर के पत्थरों के द्वारा की गई है और इस मंदिर की जो ऊंचाई है 253 फीट है। मंदिर में सबसे ऊंची मीनार है और इसमें 7 मंदिर हैं। यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर का ये गेट काफी खूबसूरत देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये गेट बनाया गया है। आप जब इससे बाहर निकलेंगे तो बाहर खाने पीने के आपके ढेर सारे इंस्टॉल मिल जाएंगे और यहाँ से आप खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ पर आपको साइड में ही आपको ई रिक्शा ऑटो मिल जाएंगी जिसको पकड़ के आप यहाँ से बाहर की तरफ चले जाएंगे।
इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।